सो हे गाइस, यू आर वॉचिंग डीएससी मोटिवेशनल। तो यार आज का टॉपिक हमारा यही है कि हम नेटवर्क मार्केटिंग में तो आ गए हैं, हमने कंपनी को ज्वाइन तो कर लिया, बहुत ही ज़्यादा टाइम हो चुका है, हमारी टीम भी लगभग 10 से 15 की बन चुकी है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अभी तक हम अपनी टीम को भी अच्छे से नहीं समझा पाते हैं, कोई क्लास नहीं करवा पाते हैं, यहाँ तक कि हम MC भी नहीं करवा पाते हैं। तो यार आप किसी भी कंपनी से बिलोंग करते हैं, इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। यदि आप अभी भी बोलना नहीं सीखेंगे, अपने सीनियर या अपने जो जूनियर है उनको आप क्लास नहीं देंगे, तो वो आपकी रिस्पेक्ट कभी नहीं करेंगे। अपने अंदर के डर को आपको निकालना होगा। आप नेटवर्क मार्केटिंग में ही नहीं, आप बाहर की लाइफ में भी यदि कोई काम शुरू करते हैं, आप पॉलिटिक्स में जाते हैं, तो वहीं भी आपको बोलना पड़ेगा, क्योंकि बोलने के ही यहाँ पे जो है पैसे इनकम होती है बोलने से ही। और आपको तो पता ही है सबसे ज़्यादा बोलने वाला बिजनेस यही है, नेटवर्क मार्केटिंग। तो इसमें हमें करना क्या है, यदि आपको भी डर लगता है बोलने से, काफ़ी सीनियर को क्लास देने से डर लगता है, तो आप एक चीज़ देख लें कि आपको बोलना तो पड़ेगा। अगर आप आज नहीं बोले तो आप घर जाएंगे, आपसे ये बिजनेस नहीं होगा। तो आपको करना क्या है यार, मान लो कि आप अभी बहुत ज़्यादा लोगों को क्लास नहीं दे पा रहे हो, उनके सामने नहीं बोल पा रहे हो, तो अपनी टीम के 2 या 3 मेंबर आप अपने पास बैठाओ टेबल पे, और उनको कोई भी एक छोटा सा टॉपिक आप ले लो, 5 इंजेक्शन 5 एटीट्यूड, ठीक है, 3 वाइज शेयरिंग, कोई भी एक टॉपिक जो आपको परफेक्ट आता है उस पर उन्हें क्लास दो, उस पर उन्हें समझाओ, ठीक है। जब 3 बंदे वो आपको अच्छे से समझ पाएंगे, फिर आप जाओ MC कराने। MC कैसे कराते हैं उस पर वीडियो ऑलरेडी बना हुआ है, आप देख सकते हैं। तो आप MC फिर कराओ धीरे धीरे 4-5 लोगों को, और फिर जो है आप सिस्टम भी कराने लग जाओ धीरे धीरे, ठीक है। जब आप 5 लोगों को ईजिली समझा पाओगे तो फिर आपके लिए ईजी हो जाएगा और ज़्यादा लोगों को समझाना, क्योंकि जब आपका रूटीन बन जाएगा, आप थोड़ा हिचकिचाना बंद कर देंगे, तो आप धीरे धीरे बोल पाएंगे। और ये तभी संभव है जब आप शुरुआत करेंगे। चाहे आप 2 लोगों को शुरुआत करो, अपनी टीम से ही शुरुआत कर दो, तुम्हारी जितने भी टीम है 10 से 15 की, उन्हें आप बैठाओ, मीटिंग करो, उन्हें कोई भी सिस्टम लो, उस पर उन्हें समझाओ अच्छे से, फोकस उनका वहाँ पर करो, जिससे कि क्या होगा, आपको बहुत ज़्यादा बोलने में और आप बहुत ज़्यादा सीख जाएंगे, ठीक है। आप धीरे धीरे फिर आप क्लास भी देने लगेंगे, ठीक है। फिर अपने खुद नोट्स तैयार करो जिसमें आप अपने एग्जांपल्स लिखो, ठीक है, जो आपको बेस्ट लगता है, और वो एग्जांपल लोगों के साथ शेयर करो। जितना आप शेयर करोगे, जितना बोलोगे, उतना ही आपको नॉलेज मिलेगा, और नॉलेज मिलेगा तो आपको एक्सपीरियंस मिलेगा, एक्सपीरियंस मिलेगा तो आप फिर बोलने के साथ साथ अच्छे से उसको जो है प्रैक्टिकली भी करके दिखा पाओगे, आपका बॉडी लैंग्वेज भी सही हो जाएगा। तो मैं यही कहना चाहूँगा यार, आप अपने अंदर के डर को जो है निकालो, आप शुरुआत करके देखो, आप ऑटोमेटिक आपको अच्छा लगने लगेगा, आप धीरे धीरे बोलने लगेंगे। लेकिन दोस्त, यदि आप आज नहीं बोले ना तो आप कभी नहीं बोल पाएंगे। आप ये मत सोचो कि बाकी सीनियर हंसेंगे, मुझे अच्छे से बोलना नहीं आता, वो क्या कहेंगे। नो मैटर यार, कोई मैटर नहीं करता, कोई कुछ भी कहे, जो जितना तुम्हें आता ना उतना तुम देने की कोशिश करो। मुझे जितना नॉलेज है मैं आप लोगों को बताता रहता हूँ, बस इससे ही अपना एक्सपीरियंस बनता है और नॉलेज और भी आपको मिलती रहती है। तो यार वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और बस फिर मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।